So hello guys, what's up? Welcome to my YouTube channel called Khopdito TV. I'm your host Ritesh. So आज हम review करेंगे गुजराती movie called Vatsh. ये एक original movie है, गुजराती original movie है. So इसके बारे में आज हम कुछ discuss करेंगे. Because मैं generally ज़्यादा movie reviews नहीं करता, but ये movie देखने के बाद और theater की खाली सीटें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये movie का review ज़रूर करना चाहिए. Because हम देखते हैं कि ये दूसरी other industries है, जैसे कन्नड़ा हो गया, तमिल, तेलुगु हो गया, सब वहाँ से छोटी छोटी movies बाहर आती है और हम उस रीजनल मूवीज को देखते हैं तो हमें प्राउड होता है कि कोई रीजनल मूवी भी पैन इंडिया लेवल पे रिलीज हो रही है और अच्छा खासा कमा रही है. गुजराती इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी अच्छी मूवीज है, पैन इंडिया लेवल पे अभी आई नहीं है. काफी दुख होता है ऐसा सब देख के, बट जो है वो सो है. सो इसमें कुछ हो नहीं सकता. तो ये वश मूवी है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे. सो गाइस, वश मूवी के डायरेक्टर और उसकी पास्ट मूवी के बारे में बातचीत करेंगे कि कौन सी है. सो फर्स्ट मूवी है उसकी छेलो दिवस, कॉमेडी मूवी है. तो शायद आपने ये मूवी देखी होगी, इसका कोई रीमेक भी बना था हिंदी में आई गेस. और दूसरी मूवी है इसकी कृष्ण दास पे एंड यूज, ये गुजराती रीजनल मूवी है उसकी. बट ये खास कुछ पैन इंडिया लेवल पे हुई नहीं थी, कि कोई डब वर्जन आया नहीं था, सिर्फ गुजराती में रिलीज हुई थी. और उसकी तीसरी फिल्म थी आई थिंक राडो, वो मैं थिएटर में देखने गया था और वो भी बहुत मस्त मूवी थी. अगर आपको कहीं पे भी देखने को मिले तो आप उसको जरूर देखना, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये बहुत अच्छी मूवी है. उसका प्लॉट भी बहुत अमेजिंग है. मतलब अगर आप पॉलिटिक्स अराउंड कुछ मूवीज ढूंढ रहे हैं वो भी एकदम अच्छे वो कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो ये कराड़ो मूवी देख लेना, वो बहुत ही अच्छी है. सो ये वश मूवी भी कृष्णदेव याग्निक डायरेक्ट की है. मैंने से सुना है कि वो भी खुद भी ये मूवी लिखते हैं, बाद में उसको डायरेक्ट करते हैं. स्टोरी काफी इंटेंस थी. इसके प्लॉट के बारे में अपन डिस्कस करें तो इसका जो प्लॉट है वो एकदम उसका फर्स्ट हाफ आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम नॉर्मल मूवी है. ठीक है, वो धीरे 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 से बिल्डअप होता है और एक हुक मोमेंट पे वो छोड़ देता है ये मूवी. बाद में इसका तुम सेकंड हाफ देखोगे तो ये मूवी फर्स्ट हाफ इधर है तो उसका सेकंड हाफ इधर है. इतना मतलब ऐसे सीधा सा बूस्ट मारती है मूवी. तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर तुम प्लॉट की बात करोगे तो प्लॉट एकदम तुमको एकदम पकड़ के रखेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुमको ये पकड़ के रखेगा और आपकी आंखें हट नहीं देगा स्क्रीन से. मतलब इतना इंटेंस प्लॉट है इसका. मेरी मानो तो मेन उसका रीजन है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जो स्टोरी में जो थोड़ी बहुत पकड़ है तो उसकी वजह से एकदम आप एकदम स्टक रहते हो मूवी के अंदर, एकदम पूरा उसको ऐसे ही मतलब देखते रहते हो कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. और इसका तुम एंड भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्टली इसका एंड कैसा होगा. कि मैं जब मूवी देख रहा था तब भी मुझे ऐसा लगा कि इसका एंड एक्चुअल में क्या होगा, कि मुझे स्टोरी के अराउंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका जो एक्चुअल जो एंड होगा वो क्या होगा. तो ये उसकी खासियत है. तो ऐसी स्टोरी मुझे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि अगर तुम एंड प्रिडिक्ट कर लेते हो, जस्ट एग्जाम्पल जो पठान मूवी आई थी तो अपन को पता ही था कि लास्ट में कुछ जोन अब्राहम को वो खत्म कर देगा, बाद में वो दुनिया को बचा लेगा. ऐसा ही है, सेम कॉन्सेप्ट हर मूवी में उसका होता है, जो एजेंट्स वाली जो मूवी होती है. तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम रहता है ऐसी मूवी देखने के लिए. बट अगर तुम ऐसी कुछ जैसे कि कांतारा देख लो या फिर ये देख लो, इस तरह की जो मूवीज तुम जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि इसका जो एंड होगा वो कोई सोच भी नहीं सकता. मतलब इतना माइंड ब्लोइंग होता है, का एंड तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मूवी का, ये इतनी मतलब वो इंटेंस है. स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें तो स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है. मैं वहां पे डिस्क्लेमर भी दिखा है, वहां पे आप डिस्क्लेमर देखोगे तो उसमें लिखा है कि उसमें कुछ जानवर वानवर कुछ यूज हुए हैं, ओरिजिनल वाले नहीं बट जो नकली वाले कुछ होते हैं छोटे मोटे, वो जानवर के बारे में कुछ डिस्क्लेमर दिया हुआ होता है. और कुछ हार्ट के पेशेंट और व्हाटएवर जो भी किसी को जो डर की वजह से बीमारियां होती है तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर वो बोल के सुनाते हैं वो मूवी जब स्टार्ट होती है. तब मतलब अपन थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं कि ओहो कुछ होने वाला है, कुछ खतरनाक वाला होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है उसमें. अकॉर्डिंग टू इसमें इतना ज्यादा खून खराबा नहीं है, बहुत छोटे मोटे सीन है, बट ये तुम्हें बहुत थ्रिल जरूर देगा ये मूवी. क्योंकि जब उसमें जब तुम उसका स्क्रीन पे जब देखते हो तभी जो इमोशंस होते हैं वो एकदम निखर निखर के बाहर आते हैं. जो एक्टर्स जो इमोशन जो दिखाते हैं वो बहुत ही एकदम ऐसा पकड़ के रखते हैं कि चलो इसको देखना ही है. मतलब इतना वो स्ट्रिक होते हैं उसके इमोशंस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो तुम्हें एकदम पकड़ के रखेगी वो चीज. इसके एक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका डायलॉग काफी एकदम जो नॉर्मल मूवीज होती है जो एकदम अपन कन्वर्सेशन करते हैं उस टाइप के डायलॉग है. जब जो भी कोई सिचुएशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अपन जो बोलते हैं तो अकॉर्डिंग उसी तरह के सेम नॉर्मल डायलॉग्स है, बट वो काफी पब्लिक पे इंपैक्ट देते हैं वो डायलॉग्स. एंड उसके एक्टिंग के बारे में बात कर ले, उसमें जानकी बॉडी वाला है जिसका वशीकरण होता है, उसका मतलब एक्टिंग भाई माइंड ब्लोइंग. मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये एक्ट्रेस इतना अच्छा एक्टिंग करेगी, बट वो चीज तुम्हें सामने जब दिखती है, जब तुम्हारे स्क्रीन पे जो सामने जो होता है वो मतलब वशीकरण करता है, जब वो हितेन कुमार जब बोलता है और ये जानकी बॉडी वाला वही सेम चीज करती है तो एकदम मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं. लेकिन जो ये
बोल रहा है वो सेम चीज वो सामने वाली एक्ट्रेस जो है जानकी बॉडी वाला वो कर रही है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन देता है और वो जानकी बॉडी वाला वो फॉलो करती है, तो मतलब वो चीज देखने लायक है। वो तुम जब देखोगे मूवी तब उसको आप पूरे पूरा एनालाइज कर पाओगे और समझ पाओगे कि एग्जैक्टली ये मूवी में जो चीज एक्टिंग जो की जो जिस लेवल की जो एक्टिंग वो हो रही है वहाँ पे वो एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज हो रही है, तो वहाँ पे वो तुमको देखने को मिलेगा वो चीज। तो इसकी स्टार कास्ट तो बहुत बड़ी है नहीं, बट जो गुजराती म्यूजिकल में जो पॉपुलर एक्टर है तो वही उसमें प्ले कर रहे हैं, तो काफी अच्छी एक्टिंग है सबकी। सो नेक्स्ट पॉइंट इसके म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर की बात करते हैं। मैंने पहले भी बोला कि ये मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पकड़ के रखती है, तो उसमें उसका मेन हाथ उसके बैकग्राउंड म्यूजिक और उसकी स्टोरी लाइन पे होता है। तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा है, मूवी में गाने वाने कुछ है नहीं, तो एक प्लस पॉइंट है। शायद मे भी जिसको गाना वाना पसंद नहीं तो ये मूवी उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, तो देखो मूवी एंड होते होते बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जाती है, तो कई कई भी पब्लिक को लगता है कि ये मूवी एकदम सेंसलेस है। मैं बोलता हूँ कि ये मूवी सेंसलेस नहीं है, बिकॉज मे बी ये मूवी कैसे हुक पे एंड किया हो कि शायद उसका दूसरा पार्ट भी निकाले, कभी ऐसा कभी कुछ सोचा है कि नहीं सोचा, तो इसलिए शायद डायरेक्टर ने बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हो। इसी वजह से पब्लिक दूसरी पब्लिक जो बोल रही है कि ये शायद सेंसलेस मूवी है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब उसका मतलब ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि वशीकरण कैसे हुआ है, उसकी कोई प्रोसेस नहीं बताई है, और इसके क्लाइमेक्स में जो भी कुछ हुआ तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, स्पॉयलर्स दूंगा तो आपका जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। तो आप जब मूवी जाके देखोगे खुद तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मूवी में। उसके नेगेटिव पॉइंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ जाती है, और कई कभी भी जब मूवी स्टार्ट होती है तो वहां पे ऐसा कई कभी भी फील होता है, मतलब कोई बंदा बाहर से आ रहा है और तुम उसको इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ही मतलब इसके साथ तू फ्रेंडली इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब ये कोई उसमें भी कुछ सेंस नहीं बनता। तो शायद उस स्टोरी में कुछ छोटा मोटा सा चेंजेस होने पे ये सुधर सकता था, लेकिन ये अपन ये छोटी सी मिस्टेक भी इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि मूवी में जो 80-90% मूवी का जो प्लॉट है वो काफी वो स्टार्टिंग वहां से ही होता है, तो उसका जो 80-90% मूवी का प्लॉट है वो एकदम रियल रहता है, वहां पे पूरा एकदम सेंस होता है कि हाँ इसके वजह से ये हुआ है ऐसा। नेगेटिव तो बहुत ही कम है, एक चीज सोच लो कि तुम्हें बहुत ही कम ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि तुम उसके ऊपर ऐसा कह सको कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, या फिर इसको चेंजेस करना चाहिए था, बहुत ही कम पॉइंट्स है, तो इसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो। अगर मैं फाइनल बात करूँ तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाकर देखो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रीजनल मूवीज है जो छोटे लेवल पे रिलीज होती है बट उसकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, बट वो पैन इंडिया लेवल पे नहीं जा पाती है। जैसे कि दमन देख लो, अभी दमन का एग्जांपल देख लो कि दमन एक बहुत अच्छी मूवी थी बट लोग गए नहीं थे देखने के लिए, क्योंकि इस तरह की मूवीज जो होती है वो एकदम मास ऑडियंस के लिए नहीं होती है, कुछ जो मूवी लवर्स होते हैं उन लोगों के लिए वो चीज बेस्ट होती है। बट अगर अपन इस तरह की मूवी को प्रमोट करेंगे, अगर सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी न्यू स्टोरी लाइन होगी, अलग अलग डायरेक्टर्स होंगे तो वो इस तरह की स्टोरी लाइन अडेप्ट करेंगे और अपन को इस तरह की नई न्यू स्टोरी देखने को मिलेगी। इसमें कोई मैं स्टार वार या फिर रेटिंग वेटिंग कुछ देने नहीं वाला, बस मैं अपना खुद का ओपिनियन रख रहा हूँ। सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, तो मुझे ये मेरे हिसाब से मुझे पसंद आई मूवी, तो इसके बारे में मुझे लगा कि इसका रिव्यू जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी मूवी को सपोर्ट नहीं करोगे इस तरह की मूवीज अपन को देखने को नहीं मिलेगी फ्यूचर में, और ऐसी मास ऑडियंस वाली मूवीज देखने को मिलेगी जो कतई जहर चीज है। सो गाइज, आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड मैं मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।